सुमिला सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास टेंथ का एक चैप्टर चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसको हम पढ़ना चाह रहे हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण और थोड़ी बच्चों को समस्या भी आती है कि हम सर हमको रासायनिक समीकरण बैलेंस करना नहीं आता, तो आज हम रासायनिक समीकरण बैलेंस करने के बारे में सीख रहे हैं। तो देखते हैं, हम कई एग्जाम्पल सामने लेते हैं और हम सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके दो नियम होते हैं। आप दो नियम है, सबसे इंपॉर्टेंट है दो नियम। पहला है स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम इन दोनों नियमों के बारे में पता करते हैं, ये दोनों नियम क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, जैसे कि ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड के साथ हम कार्बन को जलाते हैं, तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता, ये हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और इस रासायनिक अभिक्रिया को हमने रासायनिक समीकरण के तौर पे लिख लिया है। सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम पढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह है कि इधर की तरफ जो क्रियाकारक होते हैं और दूसरी साइड तरफ उत्पाद होते हैं, यहां पर उन्हें उत्पाद जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो इधर लिखे जाते हैं, जो क्रियाकारक है वो इधर लिखे जाते हैं। तो जितने भी क्रियाकारक हैं उन सभी का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर रहता है। जितना इधर द्रव्यमान रहेगा उतना ही द्रव्यमान उधर रहेगा। कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान नष्ट होता है और न ही द्रव्यमान उत्पन्न होता, कहीं बाहर से नहीं आता है। द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है, जितना द्रव्यमान इधर का रहेगा उतना ही द्रव्यमान उधर का रहेगा। क्लियर हो गई होगी बात। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम का मतलब होता है जैसे भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यौगिक बनते हैं तो यौगिकों का अनुपात बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जैसे कि Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम के साथ इसको गर्म किया तो बनेगा Al2O3 और साथ में निकल गया, तो यहां पर ये यौगिक का निर्माण हुआ। इस यौगिक का अनुपात बिल्कुल फिक्स होगा, मतलब जब यौगिक बनते समय जो परमाणु एल्यूमिनियम के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु निश्चित अनुपात में क्रिया करके यौगिक बनाएंगे, यानी कि एल्यूमिनियम के दो परमाणु और ऑक्सीजन के तीन परमाणु मिलकर के एल्यूमिना बनाएंगे। यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि यह यहां पर आप किसी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकते हैं। इस अभिक्रिया को हम देखते हैं, तो कहने का मतलब आप जो ये सूत्र है, इस सूत्र में कार्बन और ऑक्सीजन, इस सूत्र में कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। देखिए हम समीकरण को बैलेंस करते हैं। इस समीकरण में हम सबसे पहले देखते हैं जिंक की संख्या इधर कितनी है, एक, दूसरी तरफ जिंक की संख्या एक, यहां पर ऑक्सीजन की संख्या भी एक, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या एक, यहां कार्बन एक, इधर भी कार्बन एक। यानी कि कहने का मतलब है ये समीकरण हमारी ऑलरेडी संतुलित है, पूरी की पहले से ही बैलेंस है। एक अगली समीकरण हम देखते हैं, जैसे देखिए आप कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो एक गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोनों तरफ हम देखते हैं परमाणु की संख्या बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। स्थिर अनुपात का नियम यह कहेगा कि आप इससे यौगिक में आप इसकी संरचना में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यह सूत्र है तो यह सूत्र वैसा का वैसा ही रहेगा इस यौगिक का।
ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन इधर कितने हैं? एक। इधर कार्बन कितने हैं? इधर भी एक है। इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या दो, उस साइड भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या दो। कहने का मतलब कार्बन भी बैलेंस में है इधर और ऑक्सीजन दोनों ही बैलेंस में है। इसका मतलब यह समीकरण भी आपकी कैसी है? संतुलित समीकरण है। तो जब भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं तो दो नियम हमारे सामने रहते हैं। एक बार मेरे साथ आप सभी लोग डिवाइस करेंगे, कौन कौन से नियम रहते हैं? सबसे पहले है स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला एक एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए आप, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह यौगिक का जो सूत्र है MgO, यह बोलता है स्थिर अनुपात का नियम, यह बोलता है कि एक परमाणु मैग्नीशियम का एक परमाणु ऑक्सीजन का मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। आप इस सूत्र में फेर बदल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहेगा जिधर इस साइड में जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु उस साइड में होने चाहिए। तो कहने का मतलब हमें परमाणु को बैलेंस करना है, लेकिन जो सूत्र है यौगिक का सूत्र उसमें छेड़खानी किए बगैर। तो देखते हैं, मैग्नीशियम इधर कितने हैं? एक। इधर भी मैग्नीशियम एक। तो कहने का मतलब मैग्नीशियम मैग्नीशियम दोनों तरफ एक एक है। क्लियर। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? इस साइड में ऑक्सीजन की संख्या दो, इस साइड में ऑक्सीजन की संख्या एक। यह तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो अब क्या किया जाना चाहिए? उधर में ऑक्सीजन की संख्या दो करनी पड़ेगी आपको, तो आप यहां तो कर नहीं सकते क्योंकि ये तो यौगिक का सूत्र ही बदल जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की संख्या दो करने के लिए आपको यहां पर दो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो आप, अब इधर मैग्नीशियम कितने हो गए? दो। इधर मैग्नीशियम कितने हैं? एक। तो यहां भी भैया मैग्नीशियम दो कर दो। टन टन बिल्कुल। अब देखें, मैग्नीशियम दो, मैग्नीशियम इधर भी दो, इधर ऑक्सीजन दो, इधर भी ऑक्सीजन दो, समीकरण आपकी बैलेंस हो गई। अब आप खुद करके देखिए, एक समीकरण में लिखता हूं, आप कोशिश करना। बिल्कुल सेम डिट टू समीकरण है। देखिए आप करो, कॉपर की संख्या इधर एक, इधर भी कॉपर की संख्या एक, बात अच्छी बात है। जब हम इस तरीके से बैलेंस करते हैं तो इस तरीके को हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब होता है कि बच्चों जैसे पंखा चलाना है, अपन को कई सारे बटने दे रखे हैं हमारे सामने, एक दो तीन चार पांच, अब किस बटन से पंखा चलेगा अपन को खुद को ही पता नहीं है। तो पहले ट्राई किया, नहीं चला, दोबारा इससे ट्राई किया, नहीं चला, तो पता चला कि हमें तीसरे नंबर के बटन से पंखा चलने लग गया। तो ये का यही तरीका हमारा रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने का होता है। आगे देखें, ज्यादा हार्ड नहीं है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाए ना हम, बहुत इजीली सीखा जा सकता है। देखिए आप, हाँ तो हमें इधर कितने हैं? एक और एक, बिल्कुल क्लियर। ऑप्शन की संख्या इधर दो, इधर एक, तो भैया इधर भी दो कर दो। अब कापर की संख्या उधर कितनी हो गई? कापर की संख्या दो, इधर कापर एक ही बैठा हुआ है तो इधर भी दो बैठा दो। तो अब वापिस चेक कर लेते हैं, कापर दो, बिल्कुल कापर इधर भी दो, ऑक्सीजन इधर दो, इधर भी ऑक्सीजन दो। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम ऑक्सीजन। सोडियम को हमने जलाया तो बनेगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। सोडियम ऑक्साइड के यौगिक के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम की संख्या इधर देखेंगे दो, इधर देखो आप एक, क्या करना पड़ेगा? इधर भी भैया दो कर दो, ये बैठ गए दो। चलो बहुत अच्छी बात, सोडियम हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट ऑक्सीजन इधर कितने हैं? ऑक्सीजन की संख्या इधर दो और इधर ऑक्सीजन बैठा है केवल एक, तो यहां तो हम दो लगा नहीं सकते, तो यहां पर लगाने पड़ेंगे। अब ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? दो। लेकिन अब सोडियम यहां कितने हो गए? दो और दो चार हो गए।
दो दूनी चार, ये गुणा गुणा होता है, चार हो गए। लेकिन यहां पर सोडियम कितना है? दो, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? चार। देखिए सोडियम इधर कितने? चार। इधर सोडियम कितने हो गए? दो दूनी चार। ऑक्सीजन दो, इधर भी ऑक्सीजन दो। नेक्स्ट देखिए, लेड ऑक्साइड का अपचयन करवाया कार्बन के साथ, तो लेड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। ये लेड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। देखते हैं, बैलेंस करते हैं। लेड इधर एक, इधर भी लेड एक, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ऑक्सीजन पे आ जाइए। ऑक्सीजन इधर कितनी? एक। इधर ऑक्सीजन कितना? इधर ऑक्सीजन दो है। तो अब क्या करेंगे? इधर इधर ऑक्सीजन की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। इधर ऑक्सीजन हमने क्या कर दिया? दो कर दिया। तो इधर हमने ऑक्सीजन दो किया, लेकिन इधर लेड भी दो गया। पहले वापस चलो जाए, ट्रायल एंड एरर मेथड। लेड दो, इधर लेड एक, तो पहले लेड को दो दो कर लो। ऑक्सीजन इधर दो, इधर भी ऑक्सीजन दो। कार्बन एक, इधर भी कार्बन एक। यह आपकी रासायनिक समीकरण बैलेंस हो चुकी है। एक समीकरण और देखते हैं, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, Al2O3 प्लस, ये बाहर निकलेगा आयरन। देखिए इस समीकरण को हम बैलेंस करते हैं, क्या होगा इसमें? सबसे पहले देखिए आयरन दो, इधर आयरन एक, तो उधर दो कर दो आप, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? तीन, इधर भी ऑक्सीजन तीन, बहुत अच्छी बात है। इधर एल्यूमिनियम कितने हैं? एक, इधर एल्यूमिनियम दो, तो इधर वाले दो कर दो आप। ये आपके रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। दोबारा चेक करते हैं हम, देखिए आयरन इधर दो, इधर भी आयरन दो, क्लियर। ऑक्सीजन इधर तीन, इधर भी ऑक्सीजन तीन, इधर एल्यूमिनियम दो, इधर भी एल्यूमिनियम दो। अगले वीडियो हम थोड़ी इससे हार्ड वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको सरल करना सीखेंगे। जब तक के लिए बच्चों जुड़े रहिए, थैंक यू।